गाजियाबाद में हुआ सामूहिक वंदे मातरम गायन का कार्यक्रम। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की उपस्थिति में ये कार्यक्रम हुआ। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ बच्चों ने वंदे मातरम गाया। 50,000 स्कूली बच्चों ने एक साथ वंदे मातरम का गायन किया। कार्यक्रम में बच्चों ने एक साथ स्वच्छता ऐप भी डाउनलोड की। इसके लिए कविनगर रामलीला मैदान फ्री वाईफाई जोन बना था। प्रतीक मानकर वनों का प्रतीक मैं करता हूँ, उनकी उपासना करती हूँ। मैं मुझे खुशी है कि ये हिंदू अध्यात्म मेला का ये जो अवसर ऐतिहासिक अवसर है, इसने एक दिशा देने का काम पूरे समाज को किया है। हम जानते हैं कि एक ही धर्म पूरे विश्व में है, जिसमें हम चींटी पैर के नीचे ना जाए हम चारा देते हैं, हमें जो चूहा फसल को खा जाए उसको भी गणेश जी की सवारी मानकर हम उसकी भी पूजा करते हैं। हम हाथी को देखकर गणेश जी का प्रतिरूप मानते हैं, जो शेर खा जाए उसको हम दुर्गा जी की सवारी मानकर उसकी भी पूजा करते हैं। वंदे मातरम का कार्यक्रम आज बच्चों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए और देश के प्रति लगाव पैदा करने के लिए किया गया था। 300 स्कूलों के लगभग 50,000 से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए थे और हमारे डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी इसमें उपस्थित थे। उन्होंने बच्चों का मनोबल बढ़ाया। हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला जो 14 से 17 तक होने जा रहा है, उसकी एक शुरुआत ये की गई थी, जिसमें हिंदू समाज द्वारा जो सेवा कार्य किए जा रहे हैं उनके स्टॉल लगेंगे और जो हमारे पुराने मूल्य थे, सामाजिक मूल्य, उनको बढ़ावा देने के लिए इस मेले का आयोजन किया जा रहा है।